हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने हमारे सारे लास्ट लेक्चर के जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर किए थे उन सबको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और उनकी बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी, है ना? ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम करेंगे लार्ज नंबर्स के कुछ PQ यानी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। ठीक है, लार्ज नंबर के हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गिव फाइव एग्जांपल्स वेयर द नंबर ऑफ थिंग्स काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर। एक बात और, स्टार्ट करने से पहले, ये जितना भी सारा कंटेंट है आपकी क्लास 6 की मैथ की एनसीईआरटी बुक में से ही लिया गया है। ठीक है, और ये आपका चैप्टर कौन सा है, ये किससे बिलोंग करता है? चैप्टर 1, नोइंग आवर नंबर्स, हमारा वही कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमें क्या करना है, हमें 5 एग्जाम्पल्स देने हैं, लेकिन किस चीज के एग्जाम्पल्स देने हैं? वेयर द नंबर ऑफ थिंग्स काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर्स। कोई भी ऐसे हमें 5 एग्जाम्पल्स लेने हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग में क्या आना चाहिए? 6 डिजिट से ज्यादा नंबर आने चाहिए। ठीक है, देखते हैं। द फॉलोइंग थिंग्स मे हैव अकाउंटिंग ऑफ मोर देन 6 डिजिट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। क्या बताना है? नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। हम जैसे मान लो हमारे इंडिया में ही कितने सारे पॉपुलेशन है, हर एक स्टेट में, ठीक है, कितनी सारी पॉपुलेशन है, तो मतलब उनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन कैसे? वो सिक्स, जब हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं तो वो 6 डिजिट से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 6 डिजिट से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हमें और क्या बता रहे हैं? हमें 6 डिजिट से ज्यादा ही बताना है। ठीक है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड क्या होगा? वो 6 डिजिट से ज्यादा होंगे, यानी 6 डिजिट क्या? लैक, लैक में होते ना 6 डिजिट। ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैक। ठीक है, तो क्या बताना है? इससे यानी 6 डिजिट से ज्यादा का बताना है हमें। तो हाँ, इसमें 6 डिजिट से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है। सेकंड है हमारा नंबर ऑफ कार्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितनी कार्स हैं उनके नंबर हमें बताने हैं। तो वर्ल्ड में तो बहुत सारी कार हैं, अलग अलग टाइप की, अलग अलग कंपनी की। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सस्ती, कुछ महंगी भी हैं, कुछ सस्ती भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी टाइप की हमें पूरे वर्ल्ड में कार देखने को मिलेंगी, तो वो क्या है? 6 डिजिट से ज्यादा नंबर की ही हमें देखने को मिलेगी, यानी लाखों करोड़ों की संख्या में हमें मिल सकती है। ठीक है, तो ये क्या, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ स्टार्स इन द वर्ल्ड। अब देखो, स्टार्स का तो हमें पता ही है, हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। क्या कहते हैं हम कि हमारी स्काई में कितने स्टार्स हैं? हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, यानी जिनको हम गिन ही नहीं सकते, इतने स्टार्स हैं हमारे स्काई में। ठीक है, तो एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं। अगला है नंबर ऑफ बुक्स इन द वर्ल्ड। क्या बताना है? वर्ल्ड में कितनी सारी बुक्स हैं उनका नंबर हमें बताना है। अब देखो, हमारे घर में ही कितनी सारी बुक्स होती हैं। ठीक है, हमारे घर में इतनी सारी होती हैं, हमारे मतलब इंडिया में भी इतनी सारी मिलेंगी, तो वर्ल्ड में कितनी सारी होगी? लाखों करोड़ों ऐसी बुक्स होंगी। ठीक है, तो क्या होंगी? वो 6 डिजिट से, यानी मतलब लैक से तो ऊपर ही है, लैक से तो ज्यादा ही होंगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपका ये भी बन सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे 5 एग्जाम्पल्स बताओ, या ऐसे मतलब 2, 3, 4 कुछ भी एग्जाम्पल्स आपसे पूछे, कितने भी पूछे, तो आप किस चीज के कि आपको 6 डिजिट से ज्यादा नंबर वाले एग्जाम्पल देने हैं, तो आप क्या दे सकते हो? इनमें से आप दे सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, राइट द प्रीवियस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है?
हमें सिक्स डिजिट का एक ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, और फिर क्या करना है, उसके जो पहले वाले नंबर है, प्रीवियस मीन्स क्या होता है, उससे पहले वाला, जस्ट उससे पहले वाला, ठीक है। तो क्या करना है, राइट द प्रीवियस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हमें एक काम करना है, पहले हमें क्या लेना है, एक सिक्स डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लेना है। अब आप सबको ये बिल्कुल अच्छी तरह से पता होगा कि सिक्स डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है या आप क्या ले सकते हैं। मैंने मतलब पिछले सारे लेक्चर्स में ये डिस्कस किया है, जितना भी हमारा लार्ज नंबर का टॉपिक चला है, जितना भी नंबर का टॉपिक चला है, उसमें मैंने आप सबको बताया कि सिंगल डिजिट में कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होता है, टू डिजिट वाला ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, ये सारे हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि सिक्स डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। सिक्स, छह बार नाइन लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिक्स डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, लिख रखा है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होगी नीचे। ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया हमारा, सिक्स डिजिट का, ठीक है। अब इससे प्रीवियस देखते हैं, यानी इससे पहले, इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, 9, 9, 9, 9, 9, और इससे पहले 8, फिर आएगा 9, 9, और इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 9,99,997, ठीक है। अगला है 9,99,996, नेक्स्ट है 9,99,995, ठीक है, और उससे अगला क्या हो जाएगा, 9,99,994। तो ये क्या होंगे, हमारे प्रीवियस नंबर होंगे, किससे हमने क्या लिया था, एक सिक्स डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिया था, और उसमें क्या किया हमने, उससे जस्ट पहले वाले नंबर हमने लिखे, ठीक है। तो अब इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम कह सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए, पहले सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर याद होगा आपको, हम डिस्कस कर चुके हैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, कैसे लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बड़ा मतलब क्या जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, लार्ज लार्ज टू स्मॉल, ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे जस्ट थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर थोड़ा उससे छोटा, फिर सबसे छोटा नंबर लास्ट में आता है, ठीक है। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, राइट द न्यू नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रीड देम, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, 8 डिजिट का हमने क्या लेना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। आप सबको पता है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लेते हैं, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा हमारा, 8 डिजिट का, एक तो ये 1 हो गया, और उसके आगे कितने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो ये हमारा क्या हो गया, 8 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। अब क्या करना है, राइट द न्यू नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर रखा है, छोटे से स्टार्ट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में कौन से नंबर तक हम पहुंचते हैं, लास्ट में हम कौन से नंबर तक पहुंचते हैं, सबसे बड़े नंबर, सबसे बड़े वाले नंबर पर हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, पहले तो क्या करना है, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हमने ले लिया, ये रहा हमारा, ठीक है। अब इससे क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो इससे जस्ट इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा, असेंडिंग ऑर्डर का कौन सा नंबर होगा, असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको चलाना है, तो कौन सा नंबर होगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ही अगला नंबर मिलेगा हमें, फिर जस्ट इसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट उसके बाद वाला नंबर मिल जाएगा, देन हम इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो हमें उसके बाद वाला नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे ही ये नंबर भी फाइंड किए और ये क्या लिखा हमने, इसको पूरा असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया था हमने, 8 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर लिया था,
और फिर उसके बाद क्या किया, असेंडिंग सॉरी 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेने के बाद हमने क्या किया, उस नंबर के जस्ट बाद वाले नंबर लिखे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करते हैं। ये थे हमारे लार्ज क्वेश्चंस के कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन, सॉरी लार्ज नंबर के कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस थे। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। एन एड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर, ट्राई रीडिंग द फॉलोइंग नंबर्स। क्या करना है, ये जो नंबर दे रखे हैं आपको, इनको क्या करना है, रीड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। रीड करते हैं इनको, ट्राई करते हैं एक बार कि हमसे ये हो पाता है या नहीं हो पाता है। क्या अगर हम इनको रीड करेंगे तो क्या मतलब डिफिकल्ट लगेगा, क्या हम उनमें मतलब कंफ्यूज होंगे रीड करने के, रीड करते हैं जब हम तो हम उसमें कंफ्यूज होंगे। अगर कंफ्यूज होते हैं, अगर हमसे नहीं बोला जाता तो कौन सा वो इजी ट्रैक है जिससे हम इनको इजिली रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। पहला है हमारा, पहले इनकी प्लेस वैल्यूज देखते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 लैख। तो कैसे बोलेंगे इसको, 2,79,453। अब इसको कैसे बोलेंगे, ये है हमारा 50,35,472, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 10,000 लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो क्या हो जाएगा, ये 15,77,3,375। नेक्स्ट है हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये क्या हो जाएगा, 4,35,4,3,50,894। हाँ जी, हमें मतलब हमने जब ये रीड किए तो हाँ जी कंफ्यूज तो हो रहे हैं, मतलब थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही रही है ना रीड करने में। तो क्या पूछा है, व्हाट इज, वाज इट डिफिकल्ट, यस, हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हमें। फिर क्या पूछा है, डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक, हाँ जी करेंगे कोशिश कि इसका आप एक इजी ट्रैक ढूंढ सकते हो इसको रीड करने का। देखते हैं क्या किया, पहले हमने ये क्या लिख रखा है, प्लेस वैल्यूज लिख रखी है, वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है। तो इसके नीचे नंबर्स को लिख दिया। अब इतने छोटे नंबर्स होंगे, इनको तो हम इजिली रीड कर सकते हैं, इनकी एक्सपेंशन क्या होगी, जस्ट पहले वाला नंबर लेते हैं और उसके बाद वाले डिजिट को काउंट करते हैं, एक्सपेंशन बिल्कुल तसल्ली से। लास्ट लेक्चर में बिल्कुल आराम से समझा रखा है मैंने आपको कि एक्सपेंशन या किसी भी डिजिट को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस नंबर को देखिए, जस्ट पहले वाला नंबर आप लीजिए 2 और उसके बाद वाले डिजिट आप काउंट कीजिए, 1 2, 2 डिजिट है तो क्या कीजिए, 20 लगा दी हमने, फिर प्लस का साइन, 2 के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा है आपके पास, 5 है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, 5 के बाद कितने नंबर है, 1, तो 10, 7 मतलब 5 के बाद वाला नंबर 7 और 7 के बाद कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई 1 या लिखो, नहीं लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी प्लेस वैल्यूज क्या दे रखी है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है। कैसे रीड करेंगे, 2,902 और इसका एक्सपेंशन क्या होगा, जस्ट पहले वाला नंबर लीजिए और उसके बाद वाले नंबर्स को काउंट कीजिए, कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर्स है तो 30, फिर लीजिए 9, 9 के बाद नंबर काउंट कीजिए 2, फिर 20, फिर 0, 0 के बाद कितने नंबर है, 1, तो 10, फिर 2, 2 के बाद नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई 1, या नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक टेबल नजर आ रही होगी आपको बोर्ड पे, तो इसे क्या करते हैं, हम इसे फिल करने की कोशिश करते हैं। क्या करना है, ये नंबर दे रखे हैं तो हमें इनकी जो प्लेस वैल्यू है, ये जो नंबर है ये इनकी प्लेस वैल्यू पर लिखने हैं, सॉरी प्लेस, इनके प्लेस पर लिखने हैं, ठीक है, इनके प्लेस पर इन नंबर्स को सेट करना है। तो देखिए,
वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, फिर ये लैख, तो क्या आएगा? टेन लैख पे तो कुछ नहीं है क्योंकि ये तो लैख तक ही है, ठीक है, इस पे तो कुछ नहीं आएगा, ये तो खाली रहेगा, ठीक है। लैख के प्लेस पर क्या आएगा हमारा? सेवन, सेवन लैख। फिर थाउजेंड के प्लेस पर क्या आएगा हमारा? थ्री, थ्री थाउजेंड के प्लेस, टेन थाउजेंड के प्लेस पर थ्री, थाउजेंड के प्लेस पर आएगा फोर, और हंड्रेड के प्लेस पर क्या आएगा हमारा? फाइव, और टेंस के प्लेस पर क्या आएगा हमारा? फोर, और वंस के प्लेस पर आएगा हमारा थ्री। तो इसको रीड कैसे करेंगे? अब हम रीड करेंगे सेवन लैख, और ये जो टेन थाउजेंड और थाउजेंड वाली जो टर्म होती है इनको तो हम इकट्ठा ही बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? सेवन लैख थर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री। क्लियर? आगे देखते हैं। इसमें देखिए प्लेस वैल्यूज क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, ठीक है। टेन लैख के प्लेस पर क्या आएगा हमारा? थ्री। लैख के प्लेस पर आएगा हमारा टू। टेन थाउजेंड के प्लेस पर आएगा सेवन, और थाउजेंड के प्लेस पर आएगा हमारा फाइव, हंड्रेड के प्लेस पर आएगा हमारा एट, और टेंस के प्लेस पर आएगा टू, और वंस के प्लेस पर आएगा हमारा नाइन। इसको कैसे रीड करेंगे? टेन लैख और लैख को तो इकट्ठा ही रीड करेंगे, थर्टी टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी नाइन, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई होगी आपको। अब इनके क्या करते हैं, नंबर नेम लिखते हैं इनके, ठीक है। फर्स्ट वाले का लिखते हैं, क्या लिखना है? सेवन लैख, सेवन लैख थर्टी फोर थाउजेंड, थर्टी फोर थाउजेंड, आगे क्या है? फाइव हंड्रेड, फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री, ओके, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? इन दोनों को इकट्ठा, इन दोनों को इकट्ठा, और ये तीनों, ठीक है। थर्टी टू लैख, थर्टी टू लैख, नेक्स्ट है सेवेंटी फाइव थाउजेंड, सेवेंटी फाइव थाउजेंड, और आगे क्या है हमारा? एट हंड्रेड ट्वेंटी नाइन, एट हंड्रेड एट हंड्रेड ट्वेंटी नाइन, क्लियर हुआ? आई होप सबको क्लियर हो गई होगी ये टेबल अच्छे से। बिल्कुल, सिर्फ क्या किया है, नंबर्स को उनके प्लेस पर लिखा है और इनका नंबर नेम लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये एक और टेबल दिख रही होगी, इसे भी फिल करते हैं। चलो, इनकी प्लेस वैल्यूज लिखते, पहले इनकी लिखते प्लेस, वंस, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, ठीक है। टेन करोड़ तक तो है नहीं, करोड़ तक है सिर्फ, तो इसकी जो प्लेस है वो खाली रहेगा। करोड़ में क्या आएगा हमारा? टू। टेन लैख में आएगा हमारा फाइव, लैख में सेवन, और टेन थाउजेंड में आएगा हमारा थ्री, थाउजेंड के प्लेस पर आएगा फोर, हंड्रेड के प्लेस पर आएगा फाइव, टेंस के प्लेस पर आएगा फोर, वंस के प्लेस पर आएगा थ्री, ठीक है। कैसे रीड करेंगे इसको? टू करोड़, इन दोनों को इकट्ठा, इन दोनों को इकट्ठा, टू करोड़ फिफ्टी सेवन लैख थर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री, क्लियर हुआ? अब इनका एक, इसका एक बार नंबर नेम लिख लेते हैं, ठीक है। टू करोड़, टू करोड़
34,000 543. ओके ठीक है, अगला देखते हैं. 10 करोड़ की जगह पर क्या आएगा? 6, करोड़ की जगह 5, 10 लाख की जगह 3 और लाख की जगह 2, 10,000 की जगह 7, 1,000 की जगह 5, फिर 8, 2, 9. ठीक है, इसके इसका नंबर नेम लिखते हैं. इसको कैसे लिखेंगे? इन दोनों को इकट्ठा, इन दोनों को इकट्ठा, इन दोनों को, इन तीनों. ठीक है, लिखते हैं 62,72,829. क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, एक नया टॉपिक आपके सामने, यूज ऑफ कॉमास. अब ये देखिए आप, अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी. देखो, जैसे ये नंबर लिखे थे, बिल्कुल बड़े बड़े नंबर थे, इनमें कोई कोमा वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ था. अगर इनमें बीच में कोमा लगा दिया जाए तो क्या होगा? कोमा लगाने के बाद क्या होगा? वो मतलब अलग अलग हो जाएंगे, मतलब उनको पढ़ने में, उनको रीड करने में हमें क्या होगी? आसानी होगी. किसकी वजह से? कोमाज लगाने की वजह से. ठीक है, अगर उनमें कोमाज हम नहीं लगाते तो हमें थोड़ी सी दिक्कत तो होती है. इतना तो आपको रीड करके पता चल गया कि अगर उनमें कोमाज अगर हम नहीं लगाएंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हमें होती है उनको रीड करने में. ठीक है, तो अब क्या करेंगे? यूज ऑफ कोमाज, कोमाज का हम यूज करेंगे और फिर देखेंगे कि रीड करने में हमें दिक्कत होती है या नहीं होती है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. कोमाज हेल्प अस इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स. ठीक है, पता चल गया कि कोमाज क्या करेंगे? हेल्प करेंगे हमारी नंबर्स को रीड करने में और जो है लिखने में लार्ज नंबर. ठीक है, लार्ज नंबर में लगेगा ये. इन आवर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वी यूज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड देन लाख एंड करोड़. हमारे जो इंडियन सिस्टम है हम इनको कैसे यूज करते हैं, किस प्लेस पर हम, मतलब कौन से प्लेस यूज होते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड टेन लैख, देन लैख एंड करोड़. ठीक है, कोमाज आर यूज टू वर्क थाउजेंड, लैख एंड करोड़. कोमाज किसके प्लेस पर यूज होते हैं? थाउजेंड, लैख और करोड़ के प्लेस पर यूज होते हैं. देखिए, अब एक फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम. जैसे द फर्स्ट कोमा कम्स आफ्टर हंड्रेड प्लेस थ्री डिजिट फ्रॉम द राइट एंड मार्क्स थाउजेंड. देखें, एक नंबर लेते हैं. फर्स्ट कोमा का यूज बताया गया. फर्स्ट कोमा कहाँ पर यूज होगा? हंड्रेड के प्लेस पर यूज होगा. जैसे एक नंबर लिया मैंने, क्या कहा है? थ्री डिजिट फ्रॉम द राइट साइड. राइट साइड से थ्री डिजिट छोड़ के क्या लगाओगे? कोमा लगाओगे. तो ये क्या बन गया और ये क्या मार्क होगा? अब क्या कहलाएगा ये? क्या कहा जाएगा? थाउजेंड के प्लेस पर. देखिए, वंस, टेंस,
हंड्रेड और यहाँ पे क्या आता है हमारा थाउजेंड, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे 32,725। तो अगर हम इसमें जैसे मैंने इसमें कोमा लगाया तो ये इजिली रीड हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते तो हमें पहले क्या करना होता, पहले इनकी प्लेस वैल्यू चेक करनी होती कि कौन सा नंबर कौन से प्लेस पर है, देन हमें पता चलता कि इसको कैसे रीड करना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करते हैं, ठीक है। सेकेंड कोमा देखो कहां पर यूज होता है, द सेकेंड कोमा कम्स टू डिजिट्स लेटर, टू डिजिट लेटर, फाइव डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड, इट कम्स आफ्टर 10,000 प्लेस एंड मार्क स्लैश, ठीक है। एक नंबर लेते हैं, क्या करना है, फाइव डिजिट छोड़ने हैं राइट साइड से, ठीक है, 7, 2, 5, 6, 3, 9, ठीक है। एक कोमा आएगा थाउजेंड के प्लेस पर, एक कोमा आएगा लेक के प्लेस पर, ठीक है। अब क्या कहा इन्होंने, फाइव डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड, अगर आपको कोमा लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करो, फाइव डिजिट राइट साइड से काउंट करो और जस्ट उसके बाद कोमा लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, फाइव डिजिट छोड़ दिए और देन उसके बाद कोमा लगा दिया। अब इसको क्या रीड करेंगे हम, 7,25,639। ये उससे तो बिल्कुल इजी लग रहा है जिसमें मतलब कोमा नहीं लगा होता, उससे तो बिल्कुल इजी इजिली रीड हो रहा है हमसे, ठीक है। थर्ड कोमा देखने क्या है, द थर्ड कोमा कम्स आफ्टर अनदर टू डिजिट, सेवन डिजिट फ्रॉम द राइट साइड, सेवन डिजिट छोड़ने हैं राइट साइड में, ठीक है, ठीक है, सेवन डिजिट छोड़ने राइट साइड में, तो लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहां पर एक, यहां पर और एक यहां पर, थाउजेंड के प्लेस पर आया, लेक के प्लेस पर, क्रोर के प्लेस पर, ठीक है। अब देखिए ये क्या मार्क होगा, हाँ ये तो हमें पता चल गया कि ये क्रोर में मार्क होगा। अब इनको रीड कीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर कुछ कोमा लगे हुए हैं, इनको रीड कीजिए, कैसे करोगे, देखो यहाँ पर एक कोमा लगा हुआ है, यहाँ पर एक कोमा लगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर एक कोमा है, यहाँ पर और यहाँ पर, इनकी प्लेस वैल्यूज देखते हैं, वन टेंथ यही तो थाउजेंड के प्लेस पर आता है, ये लैक के और ये करोड़ के, तो इसका मतलब ये नंबर तो हमें पहले पता चल गया कि ये करोर में रीड होगा। तो देखिए रीड कीजिए, 5,08,01,059, ठीक है, हुआ क्लियर, ठीक है। ये थाउजेंड के प्लेस पर है, लैक के और करोड़ के, तो कैसे रीड करेंगे, 3,32,40,781, ठीक है, इजिली रीड हो रहे हैं बिल्कुल, कोमा लगाने के बाद क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला पार्ट, थाउजेंड के प्लेस पर एक है, लैक के प्लेस पर है, एक करोड़ के प्लेस पर है, तो कैसे रीड करोगे, 7,27,05,062, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, हमने क्या किया, यूज ऑफ कोमाज, कोमाज का यूज कैसे करते हैं वो सीखा, बड़े बड़े नंबर्स को रीड कैसे करते हैं, उनके नंबर नेम, देन के एक्सपेंशन, और उससे पहले हमने कुछ लार्ज नंबर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मतलब अच्छे से सीख सके, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।